फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं इस तरह तैयार नहीं हुई हूँ, और मैं तैयार होके कहाँ जाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी। और देखो मैं कौन सा कपड़ा वेयर कर रही हूँ। येलो कुर्ती है और नीचे टॉर्जर ग्रीन, दुपट्टा ग्रीन। अभी से मैं आयरन करूँगी, उसके बाद तैयार होके मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और वो सरप्राइज है, मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। और संस्कु भी स्कूल से आया है, वो भी सोया हुआ है। देखो संस्कु सोया हुआ है। और बाहर बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई है। अभी काफ़ी तेज़ धूप है। देखो कपड़े मैंने कितने पसार दिए थे, देखो बाढ़ का नज़ारा। और घर में इतना धूप था मत पूछो। अच्छा, मैं आयरन मेरा गर्म हो रहा है और मैं आयरन करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। देख फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, और कैसी लगती हूँ आप लोग बताना। और मैं जहाँ जा रही हूँ आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और संस्कु भी तैयार हो गया, मैं उसे उठा दी थी। देखो काजल मेरा फैल गया है, मैं बस हल्का सा लगाई थी लेकिन फैल गया काजल। ये लग रहा ना, इससे कलर कुछ डिफरेंस, ब्लू ब्लू जैसा लग रहा है चेहरा भी लग रहा। बस मैं हल्का सा सनस्लोशन लगाई थी और कुछ नहीं लगाई थी। और संस्को को भी मैं मिला देती हूँ। संस्को बेड पे बिछा, सॉरी बेड पे कपड़ा भी घेरे हुए हैं। और संस्को को देखिए क्या कर रहा है। संस्को भी तैयार हो गया है और मैं भी तैयार हूँ। बस कुछ देर में मैं निकलूँगी और वहाँ पहुँच के फिर बताऊँगी मैं कहाँ गई हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखो मैं कहाँ आ गई, लोग जगह देख के तो पहचान ही गए होंगे कि मैं कहाँ आ गई। मिलती हूँ घर जाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मम्मा के घर से आ गई। मम्मा के घर से आए तो वहाँ चाय वाय पी, और मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं, बस तुरंत गई और तुरंत आई थी, कुछ काम था इसलिए। और वहाँ से मैं आने के बाद सोना संस्कूल ने बोला मम्मा मुझे फिश खाना है, तो उन दोनों के लिए मैंने फिश लिया। उन दोनों के लिए नहीं, मतलब हम लोग भी खाएंगे इसमें, तो फिश ली और मैं फिश बना रही हूँ। चलिए आप लोग देखिए और कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंजॉय करिए। अब मैं कढ़ाई को गैस पे चढ़ाती हूँ आँच पे। अब ये जो फिश है इसमें मैं थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, ऐड करूँगी। फिर इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर डाल दी। अब इसमें ये नमक है, अब इसे ऐड करने के बाद इसमें हाथ से नहीं मिक्स करूँगी क्योंकि मिर्ची का पाउडर मेरे हाथ में लगता है, इसे मैं मिक्स कर लूँगी। देखो फ्रेंड्स, इसे मैं मिक्स कर ली, सारा मिक्स कर ली। और अभी इसमें जो है जीरा फुलकी का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अब इसमें ये डालूँगी, हल्दी का पाउडर डालूँगी, हल्दी का पाउडर डालूँगी और नमक डाल दी, खत्म हो गया इसलिए डाल दी हूँ। और उसके बाद हरी मिर्च काट के डाल के अब इसमें भी मैं सारा मिक्स कर ली हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद इसको यहाँ रख देती हूँ। अब कढ़ाई में तेल डालती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं तेल डालूंगी। फिश बनाने के लिए तेल जो है पूरी तरह एकदम गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो फिश हो वो सड़ जाएगा है कढ़ाई में। और ये जो फिश है मैं बिल्कुल देसी अंदाज में बना रही हूँ। अब इसे मैं एक एक करके इसमें फिश इसमें डालूंगी कढ़ाई में। आप कम कर देंगे क्योंकि हाथ से नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्ची लगा हुआ है इसमें।
उसके बाद इसमें मैं कढ़ाई में मैं सारा फिश डाल दी हूँ और इसमें फिश बनाने के लिए मैंने सारा मसाला ली हूँ, दिखाती हूँ आपको। इसमें है सरसों, अदरक, लहसुन, जीरा, गुलकी और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सारा को मैं मिक्सी में पीस दी हूँ। और मिर्ची थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैं ऊपर से मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और इसे मैं पानी में मिला के, इसे मैं पानी मिला के इसमें मैं डाल दूँगी इसे। और ये जो है मछली का अंदर से पकौड़ी बनाएंगे, इसमें सारा मसाला जो मैं दिखाई थी उसे ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिलाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में फिर सारा फ्राई करने के बाद। देखो गाइस मैंने सारा इसको फ्राई कर लिया, ये साइड पर रख दी और लास्ट में मैं मछली का जो अंडा था उसका पकौड़ी में फ्राई कर लूँगी। मैं सारा फिश निकाल ली हूँ, अब इसमें मैं ये सरसों का फोरन डालूँगी, बस सरसों का फोरन डालूंगी। खाना हो गया और ये आप इसमें कर दूँगी, अब चल गया है। अब ये मेरा मसाला है इसमें ऐड करूँगी। टमाटर एक टमाटर काट के डाल दिया, आँच को सेव करके इसे करीब 5 से 6 मिनट तक इसे मैं भूंजूंगी। गाइस अब मसाला तेज करने लगा है, अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। इसे चावल के साथ खा लो। गाइस जो मैंने पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद इसमें अब वाल आने लगा है। अब वाल आने लगेगा तो सबसे पहले मैं फिश की ये मूढ़ी है वो डालूँगी, क्योंकि ये कड़ा रहता है इसलिए इसमें पहले डालने से सॉफ्ट हो जाएगा, पहले ये डाल दूँगी। उसके बाद इसके डालने के बाद इसे मैं चलाऊँगी, उसके बाद मैं ये पीस डालूँगी। अभी से ज़्यादा सारा नहीं डालूँगी, अभी थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि भी इतना नहीं खाना। ये डाल दी, ये डाल दी और वो ये जो अंडा है अंडा का जो पकौड़ी है ये 2-4 डाल देती हूँ। अब इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद मेरी बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी बिहारी स्टाइल में मेरी फिश कड़ी तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।